आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, इसके लिए विशेष रूप से आप सबके प्रति आभार। आज बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ क्योंकि आज जो ये जवाबदेही मिली, आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, तो जो एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को खास करके झारखंड प्रदेश, झारखंड जैसे प्रदेश में कई चुनौतियां हमेशा से आती रही है, चाहे हमारी बेटियों का ट्रैफिकिंग से संबंधित हो, कुपोषण से संबंधित हो, तो इन सारी चुनौतियों को हम सब मिलकर जन सहभागिता से कैसे हम सब दूर कर सकते हैं, कैसे इस चुनौतियों से निपट सकते हैं, इसके लिए हम सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों से निपटने का हम सब प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, आज देश के अंदर लोगों ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास जताया, एनडीए के प्रति विश्वास जताया, और 1962 के बाद पहली बार की लगातार तीसरी बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए, और लोगों का विश्वास भरोसा जिस तरह से हम सबने देखा, गांव ग्राम में जाने के बाद, चाहे वो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राशन की व्यवस्था की, आवास 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास की व्यवस्था की, नल जल की व्यवस्था की, तो लोगों ने विश्वास जताया। और खास करके हम लोग देखें तो जब ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जाते थे तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा हृदय से आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, एक एक वोट के माध्यम से, तो हम उन सभी को अपने अपनी ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में 24 में भी ये हम सब के लिए चुनौती है कि जो वर्तमान में ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, राज्य को लूटने का काम, राज्य के लोगों को छलने का काम, और राज्य में बदनाम राज्य को करने का काम जो इस सरकार के द्वारा, एनडी गठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया है, आने वाले समय में अभी से हम सब कार्यकर्ता से भी आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको अभी से उस चुनावी तैयारी में लग जानी है, और डबल इंजन की सरकार हमें बनानी है, तो उसके लिए एक एक कार्यकर्ता सब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, और जो अपनी उपलब्धि रही है निश्चित रूप से उस उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाकर इस गठबंधन के द्वारा जिस तरह से राज्य को चलने करने का काम किया गया, तो इसके खिलाफ आज लोगों के मन में काफी पीड़ा है। आज नौजवान भटक रहे हैं, नौकरी के नाम पर चलने का काम उनसे किया गया, वादा करके वादा खिलाफी सरकार के द्वारा किया गया, तो इसलिए हम सब लगकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय प्रथम की भावना से हम काम करते हैं, हम उसी भावना के साथ राज्य को भी, राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड प्रदेश का गठन किया, राज्य का निर्माण किया, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ही है, वो ही ये तय करना है कि ये राज्य जिस तरह से भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्टाचार में डूब चुका है, कैसे इससे हम लोग उससे मुक्ति दिलाएंगे और आने वाले समय में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 8+1 9 सीट जीतने का काम किया, और आने वाले दिनों में झारखंड के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और हम कह सकते हैं यह 100% तय है कि इस सूबे के अंदर आगामी 5 महीने के अंदर ही इस भ्रष्ट सरकार
जो जिसने वायदे को वायदे का खिलाफी की, ऐसी सरकार को का जाना तय है और भाजपा की सरकार बनना तय है। अभिनंदन समारोह में हम सब लोग बैठे हुए हैं, भारत सरकार के मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और अभी हम सब लोगों के बीच से अगले कार्यक्रम में गए भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित बहनों और भाइयों के सामने। सबसे पहले तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड जैसे एक छोटे राज्य को हमें दो दो एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री हमें दिया और साथ ही दोनों ही मंत्री का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और दोनों को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप दोनों के भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने से झारखंड के लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक खुशी है, कार्यकर्ता में भी, समर्थकों में भी और जनता में भी। झारखंड जैसे राज्य को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें स्थान दिया है, सम्मान दिया है, वो सिर्फ इन दो लोगों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड वासियों के लिए मान और सम्मान का विषय है और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई है और उनके प्रति आभार। और फिर झारखंड की जनता के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि झारखंड की जनता ने भी जिस प्रकार से अपोजिशन के लोगों ने दुष्प्रचार किया था, गलत प्रचार किया था, भ्रमित करने की लोगों ने बड़ी कोशिशें की थी, कहीं कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, कहीं कहा रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी इस प्रदेश की जनता ने सीटों के नाते भी अगर हम कहें तो सबसे अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को दिया और हमें 9 सीटें दी और वोटों के नाते भी अगर हम देखते हैं तो एनडीए गठबंधन को सर्वाधिक वोट हमें प्राप्त हुआ है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।